ईडी आजकल बहुत से नेताओं, एक्टर, एक्ट्रेसेस पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पेश किया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए और सूत्रों के मुताबिक ईडी को बल्कि चुनौती दे दी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय एजेंसी को बल्कि चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, अगर मैं दोषी हूँ तो तुम आओ और अरेस्ट करके दिखाओ। रांची के बता दें कि मोहराबादी में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे रहे। ये कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने पर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पहुँचने पर सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर जमकर बरसते हैं। जी हाँ, आगे आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने राज्य में कुछ बाहरी गैंग की पहचान की है जो राज्य के आदिवासियों को और उनके पैरों पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। हेमंत ने गरजते हुए कहा कि इस राज्य में झारखंडियों का शासन चलेगा, बाहरी ताकतों का नहीं। इतना ही नहीं, आगे सोरेन ने कहा कि बीजेपी पर तीखा हमला किया और कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस राज्य का मजदूर, किसान, वृद्ध बीजेपी को जवाब देगा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।